RBC फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स आर रेड बी ब्लड सी सेल्स आरबीसी क्या होता है अगर आपको भी आरबीसी क्या है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव शरीर और अन्य जीव जंतुओं में उपलब्ध लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स है और यह रक्त में उपलब्ध सबसे प्रमुख कोशिका होता है जिसके माध्यम से फेफड़े से पूरे शरीर के अन्य भागों और सेल में ऑक्सीजन पहुँचता है अगर आसान भाषा में आरबीसी के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव शरीर विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बना होता है और उन्हीं में से एक सेल आरबीसी है जिसका मुख्य कार्य मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है और आरबीसी के बिना कोई भी शरीर के कोई भी सेल काम नहीं कर सकता है मानव शरीर में आर सेल की संख्या कितना होना चाहिए मानव शरीर में आरबीसी सेलों की संख्या पुरुषों में चार दशमलव सात से लेकर छह दशमलव एक मिलियन सेल्स होना चाहिए जबकि महिलाओं में जो गर्भवती नहीं है उनमें यह संख्या चार दशमलव दो से लेकर पाँच दशमलव चार मिलियन सेल्स होना चाहिए शरीर में आरबीसी के कम होने के कुछ प्रमुख लक्षण अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी सेलों की संख्या काफ़ी कम हो जाता है तो शरीर में नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं कमजोरी महसूस होना या थकान लगना सांस लेने में दिक्कत होना सर भारी लगना या चक्कर जैसा महसूस होना त्वचारणहीन होना शरीर में आरबीसी के कार्य क्या है वहीं अगर शरीर में आरबीसी के प्रमुख कार्यों के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख कारण मानव शरीर के सभी भागों में और सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है अगर आप भी आरबीसी की कमी से कौन कौन सा रोग शरीर में उत्पन्न हो सकता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नीचे दिया गया है आरबीसी की कमी से सबसे ज्यादा एनीमिया बीमारी का खतरा रहता है इसके अलावा आरबीसी की कमी से शरीर में प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है आरबीसी की कमी से शरीर में लंकवा इत्यादि भी मार सकता है और आप लंकवा यानी कि पैरालाइसिस के शिकार हो सकते हैं लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है आरबीसी की कम गिनती के परिणामस्वरूप एनीमिया होता है ये कोशिकाएं हृदय प्रणाली के बीच गति करती हैं आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को आरबीसी गिनती पांच मिलियन मिमी रक्त थ्रोपोइजिस के रूप में जाना जाता है ये कोशिकाएं मानव रक्त का लगभग 36 से 50 परसेंट हिस्सा बनाती हैं लाल रक्त कोशिकाओं के घटक हीमोग्लोबिन हैं। आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं वे मानव शरीर के विभिन्न भागों में श्वसन गैसों के परिवहन में मदद करते हैं केवल एक प्रकार की आरबीसी मौजूद होती है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं लाल रंग की दिखाई देती हैं लाल रक्त कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक नहीं होता है आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है आकार 6-8 माइक्रोमीटर एम व्यास के बीच भिन्न होता है आरबीसी में द्व्यवतल डिस्क आकार होता है ये विभिन्न जाति के जंतुओं में विभिन्नता लिए हुए होती है व स्तनधारियों में गोल कुभियावतल व तस्तरीनुमा होती है डॉट आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है डॉट लाल कणिका की संख्या प्रति मिली क्यूब में पांच मिलियन के लगभग होती है डॉट हिमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं आर डॉट बी डॉट सी में उपस्थित लौह पदार्थ हिमोग्लोबिन की अधिकता के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है यह फेफड़ों से ऑक्सीजन सोखकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है डॉट स्तनधारियों की लाल कणिकाओं में केंद्रक माइट्रोकंडिया राइबोसोम गाल्जिकाय एवं सेंट्रिसियोल उपस्थित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें अकेन्द्रीय कहा जाता है गर्भावस्था में इनका निर्माण प्लीहा के द्वारा एवं जन्म के बाद अस्थिमजा में होता है डॉट लाल रक्त कणिका क्या है आइए अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं जैसे यह क्या होती है आरबीसी विभिन्न जाति के जंतुओं में विभिन्नता के लिए होती है व मैमल्स में गोल बाइलेट्रल व तस्तरी नुमा होती है आरबीसी में लाल कणिका की संख्या प्रति मिली क्यूब में पांच मिलियन के लगभग होती है क्वेश्चन क्यू आरबीसी नॉर्मल कितना होना चाहिए अंश पुरुषों महिलाओं और बच्चों के लिए जरूरी रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल आरबीसी काउंट की संख्या अलग अलग होती है क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार पुरुषों के ब्लड में चार दशमलव सात से छह दशमलव एक मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रति एक माइक्रोलीटर होनी चाहिए वहीं महिलाओं में यह चार दशमलव दो से पांच दशमलव चार मिलियन और बच्चों में चार दशमलव शून्य से पांच दशमलव मिलियन होनी चाहिए एक आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है अंश आरबीसी का औसत जीवन काल एक दिनों का होता है दो आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं अंश रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है तीन आरबीसी टेस्ट से क्या पता चलता है ंश अगर आपके रक्त में आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन या हिमाटोक्रीट का काउंट कम है तो आप अनेमिया की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं अगर यह मात्रा नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो आपके पॉलिसीथेमिया पोलिसाइथेमिया दिल की बीमारी हार्ट डिजीज या फिर कार्डिक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है चार लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है पांच रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? रक्त मुख्य रूप से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन में शामिल होता है यह शरीर के तापमान के नियमन के लिए भी जिम्मेदार है छह लाल रक्त कोशिका का सामान्य जीवन काल कितना होता है एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल से 120 दिनों का होता है हालांकि बीमारियों या बीमारियों के कारण जीवनकाल काफी कम हो सकता है सात ल्यूकोसाइट्स क्या है ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है वे शरीर को रोगजनकों और संक्रमणों से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं आठ श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनक कण या विदेशी पदार्थ फागोसाइटोसिस द्वारा जल्दी से नष्ट हो जाएं। नॉक डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का सामान्य जीवन काल लगभग 12 से 20 दिनों का होता है हालांकि आरबीसी की तरह यदि व्यक्ति बीमार है तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल प्रभावित हो सकता है डब्ल्यू की गिनती व्यक्ति की उम्र के साथ भी बदलती है उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु में एक वयस्क की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक डब्ल्यूबीसी होते हैं 10 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के आकार का वर्णन करें लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की और उभयलिंगी होती हैं इस बीच श्वेत रक्त कोशिकाओं का कोई परिभाषित आकार नहीं होता है ग्यारह श्वेत रक्त कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार बताइए श्वेत रक्त कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं न्यूट्रोफ़िल, बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स बारह लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं हालांकि रक्त प्रवाह में छोड़े जाने से पहले इसे परिपक्व होने में लगभग सात दिनों की आवश्यकता होती है